बच्चे सर्विस एरियाज को रिवाइज कर लेंगे, सर्विस एरियाज एंड वॉल्यूम, सपोर्ट मटेरियल है गवर्नमेंट वाला, उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, देन द रेडियस इज हाउ मच, सॉल्व करो इसको। आपके पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, और सरफेस एरिया होता है इसका 4πr², सॉल्व करो और निकालो रेडियस कितना आ रहा है सॉल्व करके, 4π से 4π कैंसिल, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r² से r² कैंसिल, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। डन, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वेरी गुड तन्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, वो भी सॉलिड हेमिस्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर कितना आंसर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, वैसे तो आप खुद ही करना चाहिए, कितना आएगा 2πr², 3πr², 4πr² एंड 2/3 आ रहा था एंड में ऑप्शन। आस्प्रीत, चेतन ने, एनीवन एल्स, आस्प्रीत एंड चेतन ने बोथ आर राइट, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3πr². अब 3πr² क्यों हुआ, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया को आपको बोल सरफेस एरिया, सबसे मतलब टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको साथ में और क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि सॉलिड है तो ऊपर से बंद होगा, तो कर्व भी आ जाएगा प्लस ऊपर का एरिया भी आ जाएगा, कर्व हो गया 2πr², ऊपर का एरिया हो गया πr², तो 2πr² प्लस πr² इज 3πr², क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यहाँ पे, इन सिलेंडर्स इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल तो वॉल्यूम को क्या होगा, सिलेंडर में रेडियस को हाफ कर दिया, हाइट को डबल कर दिया, एक सिलेंडर है रेडियस को हाफ कर दिया और हाइट को डबल, तो वॉल्यूम कितनी होती है, पहले इनिशियली दिस इज इक्वल टू πr² h एंड रेडियस को आधा कर दिया है छोटा पतला हो जाएगा और हाइट को कर दिया है डबल, तो वॉल्यूम निकालो कितनी हो जाएगी। अब सेकंड वाले केस में वॉल्यूम इज वी डैश, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, रेडियस को हाफ कर दिया तो r/2 हो जाएगा और हाइट को डबल कर दिया तो हाइट की जगह लिख लेंगे 2h, हो जाएगा πr² / 4 मल्टीप्लाइड बाय 2h, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो नई वॉल्यूम हो जाएगी हाफ πr² h, और πr² h के हमारे पास पुरानी वाली वॉल्यूम है, सो द न्यू वॉल्यूम इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम। नोट करके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, पूजित, सिमरन, सहज, तन्मय, हरनीत, दशलीन, रचित, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, पता चले कुछ काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो,
खाली बैठे रहते, नहीं तो अर्श कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर, आपको क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द कोन गिवन है, हाइट ऑफ द कोन निकालना है, डायमीटर गिवन है 10 और स्लैंट हाइट है 13। क्वेश्चन नंबर फोर, डायमीटर 10, स्लैंट हाइट 13, तो आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। डायमीटर को हाफ कर देंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, स्लैंट हाइट 13 ही है। तो रचित क्या फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, आता है नहीं आता सर? इधर ही कहां देखने में लगा हुआ है, बोल ही नहीं रहा कुछ। हमें मनमीत सिंह, आर हाइट रेडियस स्लैंट हाइट में क्या फॉर्मूला होता है, आता है नहीं आता? वेरी गुड चैतन्य, वेरी गुड मनमीत सिंह। L square is equal to h square plus r square. 13 square is equal to height square plus height square. 169 minus 25 is equal to h square. 144 is equal to h square. तो जो हमारे पास height है वो कितनी है? That is 12 centimeter. Very good, Kishika. And अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कर्व सरफेस एरिया निकालो कोन के लिए, तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, निकालो सब लोग। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई को 3.14 यूज कर लो क्योंकि कोई भी डायमेंशन 7 का मल्टीपल नहीं है, तो यूज 3.14। रेडियस आपके पास 5 है और एल आपके पास 13 है, 15.70 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरी गुड अर्श तन्मयन किशिका, वेरी गुड, दिस इज 204.10, वेरी गुड। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले तो टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस आर, पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस का मतलब 5, लेंथ है 13, रेडियस 5 है, 15.70 मल्टीप्लाइड बाय 18, क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड किशिका, अर्श एंड तन्मय, वेरी गुड, 282.60, वेरी गुड दशलीन, बट वेरी गुड, बहुत बढ़िया। NCERT का एक क्वेश्चन था हमारा 13.5 में, अगर किसी को याद हो, अ रिवर इज फ्लोइंग वाला याद है, तो वही क्वेश्चन उस टाइप का मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अ रिवर हैज विड्थ 40 मीटर, डेप्थ को 3 मीटर ले लेते, 3 मीटर बहुत बड़ी है, and is flowing at 12 kilometers per hour find the amount of water flown into the sea in 5 minutes.
पांच मिनट में कितना पानी फ्लो कर जाएगा रिवर में, निकालिए बता सब लोग। आपके पास गिवन है रिवर इज फ्लोइंग एट 12 किलोमीटर पर आवर, तो लेंथ ऑफ रिवर इन 1 आवर 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, तो 1 मिनट की लेंथ 12,000 डिवाइड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 200 मीटर। ठीक है, तो हमें लेंथ कितनी की निकालनी है, 5 मिनट की। लेंथ ऑफ रिवर इन 5 मिनट्स, 200 × 5, 1,000 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इनटू सी इन 5 मिनट्स, विच इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ हमारे पास कितनी है, 1,000 आ गई। ब्रेथ, ब्रेथ आपके पास है 40 और डेप्थ है 3, 4, 3, 12, 120 और 3, 0 आ जाएगी मीटर क्यूब, 120,000 मीटर क्यूब। और ये आंसर किस किस का था, अंशिका का आंसर था ये, ओनली अंशिका वाज राइट, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड। और अगर इसको लीटर्स में करने के लिए बोलेगा तो कैसे करेंगे, अगर लीटर में बोलेगा तो वी विल मल्टीप्लाई दी आंसर बाय 1,000, तो आंसर माना लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी गुड तस्लीम, नोट कर लो। जिन दिन का गलत था क्रॉस चेक कर लो बेटा, कहां गलती हुई आप लोगों की। Done. You two guys for 1 minute. Okay, perfect. चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में आपके पास गिवन है द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 12 एज द एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, तो रेशियो ऑफ दिस सरफेस एरिया निकालने हैं दोनों केसेस में, बहुत आसान सा है। एक स्फीयर है, इसमें रेडियस 6 है, एक में रेडियस 12 है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, करो इसका आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा इसका, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है आपको, वेरी गुड। चतन्ने तन्मे दसवीं नाते हो, आंसर गलत आ रहा है, देखो पहले वाले का सरफेस एरिया है, दूसरे का एस डैश, 4πr² / 4π कैपिटल आर स्क्वायर, 4π कैंसिल, r² / r² है, तो स्क्वायर्स को कंबाइन कर लेंगे, पहले का रेडियस 6 दूसरे का 12, 6/12 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, सो रेशियो 1/4 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर इंडिविजुअल करोगे तो टाइम वेस्ट होगा बेटा, इसलिए एक साथ सॉल्व कर लो, जब रेशियो के जितने क्वेश्चन आएंगे सब में पहले इंडिविजुअल सॉल्व मत करना। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 13.5 meters long, 6 high, 6 meters and 22.5 centimeters thick. और ब्रिक की डायमेंशन गिवन है, बताओ भाई कितनी ब्रिक्स चाहिए होंगी, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में।
वेरी गुड चैतन्य, वेरी गुड चैतन्य। एनीवन एल्स? हाँ तन्मय, पूरा एक्सप्लेन करो बेटा। एक बॉल है और एक ब्रिक है। LVH की अगर, वेरी गुड वेरी गुड हीरा। वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तन्मय हम लोग वॉल्यूम लेंगे बच्चे, एरिया नहीं लेंगे। एरिया तब लेते जब प्लास्टर करना होता है, ठीक है? तो डायमेंशन आपके सामने ही है। लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ है 13.5 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 6 मीटर और हाइट हमें गिवन है नहीं, थिकनेस गिवन है। थिकनेस मतलब ब्रेथ, हाइट 6 है। जो ब्रेथ है विड्थ वो 22.5 सेंटीमीटर है, मतलब 0.225 मीटर। और लेंथ ब्रेथ हाइट आपको ब्रिक की गिवन है 27 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 9। पहले वाली जो डायमेंशन है सारी की सारी आपके पास किसके अंदर है? सेंटीमीटर में है। तो इन सबको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट कर दोगे तो देखा 1350 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 22.5। दोनों को डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है बेटा? 22.5 था ना, तो 22.5 रहेगा, 225 नहीं होगा। आंसर चैतन्य ने निकाल लिया। आसप्रीत का आंसर बहुत बड़ा आया, गलत है आसप्रीत का। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, दैट इज एलबी है 1350 इनटू 600 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 डिवाइड बाय 27 12.5 इनटू 9। निकालो आंसर। सर ने तो आंसर निकाल लिया, बाकी सब भी निकाल लिए। सॉल्व करिए इसको। 22.5 का डेसिमल आपको नीचे 10 आएगा, 12.5 का डेसिमल आएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 27 into 5 135 और 50 हो जाएगा, ये 25 से कैंसिल करूंगा, ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये 9 से 9 कैंसिल है, 5 1 जा 10 जा 10 into 600 6000 ब्रिक्स। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नोट कर लो अगर किसी का रह गया तो। सिंपल कैलकुलेशन ही थी। इमरान रिप्लाई करो करो बेटा, इतनी लेट मत रिप्लाई करो, सबके आंसर आ जाए। बी फास्ट क्विक। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, तो वॉल्यूम निकालो कितनी होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो जब रेडियस 2r है। यहां पे आपके पास ऑप्शंस भी गिवन है, एबीसीडी में से बता देना कौन सा आएगा। करो भाई, अंशिका कह रहे हैं सर डी पार्ट है आंसर। एनीवन एल्स? अब कह रहे हैं ए पार्ट। आसप्रीत कह रहे हैं डी। मनमीत ऐसी बता दे बेटा, मनमीत भी कह रहा था डी पार्ट, चेतन ने भी कह रहा डी पार्ट, सारे गधे डी के पीछे पड़ गए। वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई
रेडियस टू आर क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, स्फीयर स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई, 2 आर का क्यूब हो जाएगा 8 आर क्यूब, 8 फोर 32 बाय 3 पाई आर क्यूब, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, सरफेस एरिया निकालना है, खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो बताएगा उसको 50 रुपए मिलेंगे, बिना इंटरनेट से देखे। एक रूम है जिसकी डायमेंशन 10x10x5 है, टेन टेन फाइव डायमेंशन है, लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन द रूम, लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन द रूम, सोचो भाई क्या होगा, हमारे पास ना रूम अगर इस टाइप का है तो यहां पे जो हम लोग लार्जेस्ट लार्जेस्ट पोल जो हम रख सकते हैं वो हमारा होता है एक एंड से दूसरे एंड का एज, वर्टेक्स हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सपोज आप अगर किसी एक रूम के एंड पे खड़े हो, उसके दूसरे एंड पे वर्टिकली सामने देख रहे हो तो वो वाला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, That is equal to square root of length square plus breadth square plus height square. 10 square plus 10 square plus 5 square, square root of 225, which is equal to 15 meters. Clear hai? Which is equal to 15. Isko hum log longest diagonal bhi bolte hain. क्यूबॉइड के अंदर लार्जेस्ट डायगोनल होगा, उसको हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी स्टोर्ड, तो क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10% तो वॉल्यूम कितनी बढ़ जाएगी, निकालो इसको। वेरी गुड क्वेश्चन, रेडियस स्क्वायर का अगर आर है तो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी वॉल्यूम को अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, सॉल्व करो, निकालो क्या आंसर आ रहा है, वीडियो पॉज करो, मैं आराम सॉल्व करो। अब रेडियस जो था ऑलरेडी आर था, 10 पेन का वॉल्यूम हो गई था 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस को 10% बढ़ा दिया है तो नया रेडियस जो हो जाएगा 10/100 × r + r, 110 r / 100, तो आपका नया रेडियस जो है 1.1 r आ जाएगा। अब वॉल्यूम नहीं वाली जो लोगे वो जाएगा आपके 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर वैल्यू कितनी है 1.1 आर होल क्यूब, 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का जो क्यूब होता है वो होता है 1.331, तो 1.331 को भाग कर लो आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये पुराना क्यूब है, ये नया क्यूब है, तो नए क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी 1.331, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज 1.331 में से माइनस कर दोगे 33.1% मोर देन
the volume of old sphere. Clear है? Is this clear to each and everyone? Perfect.